नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट का सेकेंड पार्ट फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी एक्स टू पी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए ट्वेल्व फाइव बी फोर माइनस थ्री ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो इसमें रेशियो फाइंड करनी है ए बी एक लाइन सेगमेंट है पी एक पॉइंट है जो कि ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो क्या है उसे फाइंड करना है साथ ही साथ पी के कोऑर्डिनेट्स में से एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो लेट स्टार्ट द सल्यूशन पी डिवाइड्स लेट पी डिवाइड्स द ए बी लाइन सेगमेंट इन द रेशियो के रेशियो वन हम लेट करते हैं कि ये के रेशियो वन में इसको डिवाइड करता है वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि यहाँ पर वाई का कोऑर्डिनेट दिया गया है तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाई सेक्शन फार्मूला बाई सेक्शन फॉर्मूला तो बाई वाई के कोऑर्डिनेट के यहाँ वाई का जो कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री उससे मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री के माइनस थ्री के और वन यहाँ पर वाई का कोऑर्डिनेट फाइव है वन इंटू फाइव फाइव नीचे के प्लस वन रेशियो का सम इक्वल टू तो ये वाई कोऑर्डिनेट जो आया है टू तो इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री के प्लस फाइव टू के प्लस टू तो ये माइनस थ्री के माइनस टू के माइनस फाइव के और ये माइनस फाइव उधर गया तो माइनस थ्री तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए थ्री अपॉन फाइव तो थ्री अपॉन फाइव मीन्स ये रेशियो बनेगी थ्री रेशियो फाइव तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है कि ये थ्री रेशियो फाइव में जो है इसको डिवाइड कर रहा है तो अगर ए ट्वेल्व फाइव है बी फोर माइनस थ्री है और ये थ्री रेशियो फाइव में इसको पी पॉइंट डिवाइड करता है तो इसमें से एक्स हमको फाइंड करना है अब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा इस तरफ थ्री इंटू फोर बाई सेक्शन फार्मूला प्लस फाइव इंटू ट्वेल्व अपॉन थ्री प्लस फाइव ये एक्स आएगा इक्वल टू एक्स एक्स इक्वल टू तो फोर थ्री ज्वेल्व सिक्सटी एट सिक्सटी सेवेंटी टू अपॉन एट इक्वल टू नाइन तो एक्स इक्वल टू नाइन तो ये हमारा सेकंड आंसर है ये फर्स्ट आंसर था एक्स की वैल्यू नाइन है और रेशियो है थ्री रेशियो फाइव